वो पर्पसली सबको सस्पेंड करके कोई अपोजिशन के नेताओं ने हाउस में नहीं आना और चर्चा में हिस्सा नहीं लेना, उनके जो तीन बेकानून आ रहे क्रिमिनल प्रोसीजर के, ये इसको कोई विरोध नहीं करना, ये उनका मंशा है। एक दूसरी उनकी मंशा है कि सबको बाहर निकाल के कि एक डिक्टेटरशिप चलाने की वो कोशिश कर रहे हैं। इतने सांसदों का क्यों हुआ निलंबन? पर्दे के पीछे हो रहा ये बड़ा खेल, संसद में जनता की कौन उठाएगा आवाज? क्या विपक्ष मुक्त होने वाला है भारत? सांसदों का निलंबन और बीजेपी सवालों से जो है डरती हुई भागती हुई नजर आ रही है। ऐसे में जो है संसद की सुरक्षा में चूक होती है और लगातार बीजेपी से सवाल पूछे जाते हैं और सवालों के जो परिणाम है उसके बदले 141 सांसदों का भारत के इतिहास में पहली बार निलंबन होता है और इतनी बड़ी तादाद में कहीं ना कहीं ये निलंबन करना ये साफ तौर पे दर्शाता है कि सवालों से जो है वो केंद्रधारी सत्ता सरकार जो है वो सत्ता में बैठी सरकार भागती हुई नजर आ रही है। नमस्कार, मैं सिराज आपके साथ, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन पॉलिटिकल बाइट। आपने देखा होगा कि किस तरीके से सांसदों का निलंबन होता है और कल जगदीप धनखड़ जो कि उपराष्ट्रपति भी है और बता दें कि उनका जो है नकल करते हुए टीएमसी जो सांसद है कल्याण सिंह बनर्जी वो देखे जाते हैं, उनकी वीडियो भी काफी ज्यादा वायरल होती है। लेकिन अब इसमें जो है तमाम तरह की बातें सामने आ रही है और बीजेपी पर भी सवाल उठे जा रहे हैं। जिस तरीके से आपने देखा कि संसदीय जो सांसद की सुरक्षा में जब चूक होती है उसको लेकर विपक्ष लगातार गृह मंत्री से सवाल पूछने की कोशिश करता है और अखबारों में और तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में यह लिखा जाता है कि विपक्ष हंगामा कर रहा था। ऐसे में क्या सवाल पूछना एक हंगामा है? और सवाल ये खड़ा होता है कि 141 सांसदों का निलंबन जो हुआ और क्या सवालों से डरती हुई भागती हुई नजर आ रही है और लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी जो है वो जनता तक विपक्ष की आवाज को पहुंचाने में ना पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रही है? नहीं बिल्कुल, और जिस संसद की हम बात करते हैं लोकतंत्र की सबसे बड़ी पंचायत होती है और वहां पर सवालों को रखना, देश की तमाम मुश्किलों को रखना और तमाम जो कह सकते हैं कि जो देश में विकास चाहते हैं उसके मद्देनजर हमारी जो सवाल होते हैं वो हम रखते हैं पटल पर संसद के। लेकिन जिस तरह से हंगामे के बीच लगातार संसद का बर्खास्त होना, संसद का स्थगित होना, संसद का लगातार जो है काम सुचारू ना चल पाना अपने आप में कई तरह के सवाल खड़े करता है। मैं देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि संसद में चूक होती है और लगातार इसको लेकर मुद्दा खड़ा होता है और बाकी इसको लेकर गंभीरता के साथ में स्पीकर जो ओम बिरला है लोकसभा के, उन्होंने भी ये बात कही कि भाई ये चूक कोई छोटी मोटी बात नहीं है, इसको गंभीरता से लिया जाएगा, लगातार सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। लेकिन जो विपक्ष है वो लगातार अड़ा हुआ है कि गृह मंत्री कह सकते हैं अमित शाह और पीएम मोदी आकर सदन में बोलना चाहिए, टीवी पर खूब बयान देते हैं। देखिए कुल मिलाकर पूरे के पूरे मामले पर हंगामा हो रहा है और यही वजह है कि 141 से पार लगभग कहा जा रहा है कि जो सांसद है वो निलंबित हो गए। तो ऐसे में संसद की कार्यवाही सबसे बड़ी कहा जा सकता है निलंबन की कार्यवाही है। और क्या वाकई इसकी जरूरत थी? क्या वाकई इतने सांसदों को बाहर निकाला जाना चाहिए? तो लगातार इसको लेकर हंगामे का माहौल है। लगातार आप देखें तो सदन के बाहर खड़े होकर पूरे के पूरे जो सांसद हैं वो बीजेपी का विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए संसद का सत्र खत्म होने को है, 22 तारीख को खत्म हो जाएगा, लेकिन उससे पहले कई महत्वपूर्ण बिलों पर चर्चा होनी थी, कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर जो है कह सकते हैं बातचीत होनी थी, लेकिन उससे पहले जो हंगामा मचा है। वाकई देखिए देश के जो लोग हैं वो मायूस होते हैं कि ऐसा हंगामा होने के बाद क्या जो संसद है उसमें काम का माहौल बन पाएगा। देखिए सुरक्षा में चूक हुई है और इसको लेकर कोई ये नहीं कह सकता, ये छोटा मुद्दा था, सबने एक सुर में इसको कहा कि बड़ा मुद्दा है, बीजेपी भी ये बात कह रही है और पीएम मोदी ने भी खुद इस बात को एड्रेस किया है कि भाई ये चूक होना बहुत गंभीर सवाल है, इसको लेकर जांच चल रही, लगातार पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही, तमाम सारी जो एजेंसियां हैं वो लगातार इस पर लगी हुई। लेकिन इस तरह का प्रदर्शन बीजेपी के खिलाफ जाकर करने का मेरे ख्याल से कि बहुत जल्दबाजी है, सदन में इस तरह का माहौल बनाना मेरे ख्याल से विपक्षी दलों के लिए उतनी ज़रूरत नहीं थी कि वो ऐसा एक बखेड़ा खड़ा कर दें और लगे कि संसद नहीं अखाड़ा बन गया। तो मेरे ख्याल में इस तरह की चीज़ों को नहीं होना चाहिए और कल जिस तरह से
जो कल्याण बनर्जी, उन्होंने जिस तरह से मिमिक्री की है, उनकी नकल उतारी एक तरीके से, जो उपराष्ट्रपति भी हैं, और ऐसे में बताता है कि जो संवैधानिक पद होते हैं सिराज, कम से कम उनकी तो हमें तवज्जो रखनी पड़ेगी, उनका तो हमें कह सकते हैं कि मान मर्यादा को रखना पड़ेगा, हम हर एक चीज़ को मजाक का पात्र नहीं बना सकते। देखिए, उनकी अपनी एक संवैधानिक चीज़ें हैं, उस तरह से आप उसको इस तरह से माहौल के तौर पर नहीं उड़ा सकते। और ये कहना कि जिस तरह से किया गया है, और वहाँ पर राहुल गांधी को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं, क्यों वो उनका वीडियो बना रहे हैं, क्यों आखिर वो क्या बताना चाहते हैं, तो ये जो बचकाना हरकतें राहुल गांधी की हैं, कई बार निकल कर सामने आती हैं, और ये सवाल भी खड़े होते हैं कि क्या वाकई वो बहुत गंभीर नहीं ऐसे मुद्दों को लेकर, क्योंकि एक उपराष्ट्रपति का इस तरह से मजाक उड़ाया जाना मेरे ख्याल से कहीं से भी तर्क संगत और न्याय संगत नहीं है। वो पर्पसली सबको सस्पेंड करके कोई अपोजिशन के नेताओं ने हाउस में नहीं आना और चर्चा में हिस्सा नहीं लेना, उनके जो तीन बुरे कानून आ रहे क्रिमिनल प्रोसीजर के, ये इसको कोई विरोध नहीं करना, ये उनका मंशा है। एक दूसरी उनकी मंशा है कि सबको बाहर निकाल के कि एक डिक्टेटरशिप चलाने की वो कोशिश कर रहे हैं, और ये डेमोक्रेसी में नहीं चलेगा, आज नहीं कल उनको ये भारी पड़ेगा। इसीलिए हम लोगों के सामने जा रहे हैं, और उसके लिए हमारी पूरी तैयारी भी है। आज जो हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, फिर कल भी हम ऐसा ही प्रोटेस्ट करेंगे, जब तक वो खुद आके सबको सस्पेंड, सबका सस्पेंड रिवोकेशन करके चर्चा को जब तक वो मान्यता नहीं देंगे, तब तक ये चलते रहेगा। ये तो एक अनडेमोक्रेटिक वे ऑफ फाइटिंग है उनका, और हमको मुंह बंद करना चाहते, अब हम बंद होने वाले नहीं, हमारा मुंह भी बंद है। मिलना चाहता हूँ, आपको लगता है कि आप मिलके कोई बात का समाधान निकल पाए? नहीं नहीं, वो भी चिट्ठी लिखे, हम भी चिट्ठी लिखे, इसीलिए वो क्या उत्तर उनका मिलेगा देखेंगे। और अब कल एक इंसिडेंट को उन्होंने वो भी बताया, पार्लियामेंट का जो आयोजन, अरे वो तो पार्लियामेंट के बाहर है, ऐसे चीजें यहाँ भी करे। Now, what we have seen in the country in the last few days is a travesty of parliamentary democracy. In fact, I did a bit of research. Never in the entire history of parliamentary democracy has any parliament in any country in the world ever suspended or expelled 150 people. जी बिल्कुल, जिस तरीके से आपने बताया, और कहीं ना कहीं विपक्ष की इस जो कृति है, इस कार्य को जो है हम सही नहीं ठहरा सकते, लेकिन आपको यह भी समझना होगा कि जिस तरीके से बीजेपी के जो रमेश भिदोड़ी है, सांसद है, वो खास तौर पे गाली देते हुए नजर आते हैं एक दानिश अली जो सांसद थे बीएसपी से, बिल्कुल, तो इस पर बीजेपी क्या कार्रवाई करती है, और जो अभी तक बीजेपी ने इस पर क्या कार्रवाई की? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने, मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखूंगा, क्योंकि देखिए संसद का जो मान मर्यादा है, भाषा शैली है, और मर्यादित जो कह सकते हैं कि शब्द हैं, उनको हमेशा बोलना चाहिए, इसमें कोई दोराय नहीं है, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, कोई भी दल वहां पर बैठा हो, उसके लिए एक भाषा का एक कह सकते हैं मर्यादित होना और एक लिमिट होना बहुत जरूरी है। क्योंकि देखिए संसद की कार्रवाई बच्चे भी देखते हैं, बड़े भी देखते हैं, बूढ़े भी देखते हैं, और कहीं ना कहीं वहां से हम वो चीज जनरेट करते हैं जिससे देश को चलाने की हम बात करते हैं, लेकिन वहीं पर चाहे रमेश भिदोड़ी हो या वो कोई और हो, अगर ऐसे भाषा का प्रयोग करेंगे जो मेरे ख्याल से गैर मर्यादित ही नहीं बल्कि ऐसी भाषा है जिसको मेरे ख्याल से पीएम मोदी भी मेरे ख्याल से नहीं सुनना चाहेंगे, क्योंकि एक समुदाय के ऊपर आप इस तरह के तीखे हमले करते हो और उनको एक तरीके से कह सकते हैं कि किस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हो, मेरे ख्याल से मेरा तो यहाँ पर उनको शब्दों को कहना भी लाजमी नहीं है। तो ऐसे में बस यही कहना मैं चाहता हूँ कि ऐसे कोई भी सांसद, उनके ऊपर तुरंत कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, मुंह देखकर ही कार्रवाई नहीं होनी चाहिए कि ये बसपा का है, बीजेपी का है, कांग्रेस का है, चलो छोड़ देते हैं, अच्छा ये दूसरे दल का, इसको उठाकर हम बाहर रख देते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वो चाहे कोई भी सांसद हो, अगर वो गैर ज़रूरी चीज़ों को करता है, गैर मर्यादित भाषा का प्रयोग करता है, तो उसके खिलाफ बिल्कुल सख्त एक्शन होना चाहिए। लेकिन आपने सही कहा कि उनके खिलाफ वैसा एक्शन नजर नहीं आया, वैसी चीज नजर नहीं आई, और सबसे बड़ी बात की
जो संसद में चूक हुई है और जो बीजेपी के जो सांसद हैं उनके पास पर वो अंदर जाते हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती, लेकिन हाँ ये जो सांसद जो सवाल खड़े करते हैं इनके ऊपर कार्रवाई हो जाती है। तो इसी को लेकर लगातार बीजेपी और तमाम जो सरकारी कह सकते हैं कि महकमे में जितने भी पदों पर बैठे हुए मंत्री और जितने भी बीजेपी के तमाम चेहरे हैं उनको कम से कम सोचना चाहिए कि इस तरह से हम जो चीज़ों को करें कहीं ना कहीं एक सदन का माहौल उड़ाते हैं, हम देश की जो सबसे बड़ी और कह सकते हैं कि बड़ी पंचायत है उसमें कहीं ना कहीं हम ये कोशिश करते हैं कि हम जो चाहें वैसा करेंगे, आप हमारा कुछ नहीं कर सकते। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आपने बताया कहीं ना कहीं एक संवैधानिक मर्यादा में रहकर किसी भी जो संवैधानिक पद पर व्यक्ति बैठा है उसका मजाक जो है नहीं उड़ाना चाहिए, हर चीज का एक दायरा होता है। लेकिन जिस तरीके से ये घटनाएं सामने आ रही है कहीं ना कहीं ये सवाल खड़े करता है विपक्ष पर भी और जो सत्ता में बैठी केंद्र में बैठी जो सरकार है उस पर भी, क्योंकि जो सदन है वो जनता के पैसे से चलता है और सदन के पैसे जो जनता के पैसे हैं उससे मजाक उड़ाया जा रहा है, माहौल को खराब किया जा रहा है। जिस जनता जिस काम के लिए पैसा देती है उस काम उस पैसे को जो है उस कार्य के लिए यूज नहीं हो रहा है, इस्तेमाल नहीं हो रहा है, क्योंकि देश की विकास की बात होनी चाहिए जहां पे वहां गाली गलौज हो रहा है, जहां पे देश में जो है देश की आवाज को उठाना जाना चाहिए, जो गरीब जनता है उसकी आवाज उठता है, वहां पे जो है निलंबित कार्य चल रहे हैं। तो ये तमाम जो सवाल है कहीं ना कहीं अब संसद भी घेरते, जो उप सभापति है जगदीप धनखड़ वो कहीं ना कहीं अब अपने ही कार्य को लेकर जो है घेरे जाने लगे हैं, ओम बिरला भी अब उन पर भी सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि सांसदों का निलंबन एक तरह से आपको ये नहीं लगता कि जनता की आवाज को दबाने के बराबर है? देखिए बिल्कुल, इसमें कई बातें हैं, जैसे आपने खुद भी कहा कि वो भी कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में, जाहिर सी बात है इतना बड़ा फैसला मेरे ख्याल से भारत के इतिहास में, जो आज़ाद भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है कि 141-150 के आसपास जो सांसद हैं उनको आप जो है निलंबित कर देते हो पूरे सत्र के लिए, और वाकई हैरान करने वाला मामला है। और देखिए इस तरह से करके कार्रवाई कहीं ना कहीं हम लोकतंत्र के साथ में भी खिलवाड़ करने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें मैं चाहूँगा सरकार से भी और तमाम जो विपक्षी दल हैं उनको साथ बैठना चाहिए और बात करना चाहिए, माहौल ख़राब नहीं करना चाहिए। आपने एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है कि जिस तरह से पैसे का खर्च गलत तरह से हो जाता है, क्योंकि ये जनता के टैक्स का पैसा है, अगर संसद में कार्रवाई नहीं होगी तो वो पैसा फिजूल जाता है, व्यर्थ जाता है। इसीलिए इन जो सरकार है उनसे अपील होगी कि वो इस सब मामलों पे अपना ध्यान दें ताकि संसद में कार्रवाई सुचारू तरीके से चल सके। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आपने सुना और अमन सर से भी जाना ये कि किस तरीके से जो है संसद में अब जो है मर्यादित जो एक सीमा है उसको लांघा जा रहा है, और बात जो है उसको भी करेंगे जिस तरीके से टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने जगदीप धनखड़ का जो उपसभापति उनका मजाक उड़ाया, कहीं ना कहीं वो भी एक शर्मनाक बात है। लेकिन विपक्षी दलों को जो है और जो सांसद है उनको एक तरीके से निलंबित करना ये कहीं ना कहीं साफ तौर पर दर्शाता है कि सवालों से जो है अब भागती हुई सत्ताधारी पार्टी नजर आ रही है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही, खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें नेक्स्ट नाइन पॉलिटिकल बाइट।